और सो भी नहीं रहा था, जिंदा था, तो आज तो उसकी उम्र 1500-2000 साल होनी चाहिए, चाहे वो सो भी रहा हो तो भी 1500-2000 साल होनी चाहिए। लेकिन हम सेकंड डे ऑफ द जाल के एंड में पहुंचे हुए हैं और थर्ड डे ऑफ द जाल में हम दाखिल हो रहे हैं। देन ड्यूरिंग द थर्ड डे और आफ्टर द थर्ड डे इमामुल महदी का जहूर होगा। ओके, सो अल्लाह सुबहानहु व तआला हैज वॉर्न्ड एवरी प्रॉफिट अबाउट द फितना ऑफ द जाल, और फितना ऑफ द जाल से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ये भी हमें बता दिया कि आप एवरी फ्राइडे को सूरह कहफ को रिसाइट करें। सो दिस लास्ट फ्राइडे व्हाइल आई वाज रिसाइटिंग द सूरह कहफ, तो मुझे तर्जुमे में असाबे कहफ के बारे में पता चला कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को गार में फॉर 309 ईयर्स दे अल्लाह सुबहानहु व तआला पुट देम इन स्लीप। सो अल्लाह बीइंग यू नो द सुप्रीम पावर, ही कैन डू एनीथिंग। पर साथ ही ये मालूम हुआ कि देर इज़ दिस वन पर्सन हु हैज़ मेट द जाल, तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह अन्हु, मैनी थाउजेंड ईयर्स बैक, ही इज़ दैट वन पर्सन हु हैज़ मेट द जाल। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो द जाल हैं उनको भी अल्लाह ताला ने आप इतने अरसे तक उसको भी अल्लाह ताला ने इतने अरसे तक नींद में रखा हुआ है। द जाल इज़ ही अ सिस्टम और इज़ ही अ पर्सन, और अगर वो हमारे सामने जाहिर नहीं है सो क्या उनका इन्फ्लुएंस है? जिस तरह इसको मैं लिंक करूँगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व्हाइल ही वाज़ इन दी हेवन, सो अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इब्लीस सम हाउ डिड इन्फ्लुएंस आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा अलैहिस्सलाम टू ईट फ्राम द फॉरबिडन ट्री। सो अब इससे दो सवाल हैं कि दज्जाल एक शख्स के साथ एक सिस्टम भी है जो कि इवन दो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन ही हैज़ दिस इन्फ्लुएंस, और वो पूरा ये जो इस वक्त जो सिस्टम है वो दज्जाली फितना है, इस पे ज़रा कुरान और हदीस के उससे बताइए। अच्छा, आपके सवाल में दो पार्ट्स ले लेते हैं। एक तो ये कि दज्जाल को, क्या दज्जाल को भी वैसे ही अल्लाह ताला ने सुलाया हुआ है जैसे असहाबुल कहफ को सुलाया था? क्योंकि तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो रवायत है सही मुस्लिम में, उसमें हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रेफरेंस से पूरा वाक़या बयान किया कि वो दज्जाल से मिले थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज से 1500-2000 साल पहले वो मिले थे दज्जाल से, तो क्या दज्जाल उस वक्त से आज तक किसी गार में सो रहा है जैसे असहाबुल कहफ को अल्लाह ताला ने सुला दिया था, क्या ऐसा है? तो एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल आपका ये होगा कि क्या दज्जाल एक पर्सन है या एक सिस्टम है? तो तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत मुस्लिम शरीफ में है हदीस नंबर 7386, उसमें जो दज्जाल के फीचर्स बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रेफरेंस से, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अगर गौर करें तो फीलिंग ऐसे आती है वल्लाहु आलम कि वो सिम्बॉलिक भी हैं, कि वो सफ़र करते रहे समंदर में और फिर वो एक जज़ीरे पे उतरे तो वहाँ पे एक क्रिएचर थी जिसने उनसे गुफ्तगू की तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और क्रिएचर ऐसी थी कि जिसके लंबे लंबे बाल थे और इतने लंबे बाल थे कि उससे पता नहीं चलता था कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है, जसासा उसने अपना नाम बताया। तो इन द रियल वर्ल्ड हमें ऐसी क्रिएचर्स नहीं मिलती कि जिनसे आप बात कर सकें और जिनके ऐसे फीचर्स हों, मैं भी किसी जज़ीरे में फ़िज़िकली भी हों वल्लाहु आलम, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैं सिर्फ अपना जो मुझे समझ आई है वो उससे बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली दैट हदीस इज़ सिम्बॉलिक। हो सकता है कि तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख्वाब में ये सारा वाक़या हुआ हो और या एक वियन हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सहाबा को फिर बताया हो, और अगर आप उसे सिम्बॉलिक लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। अब दज्जाल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथेंटिक अहादीस से हमें यह पता चलता है कि वो एक पर्सन होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था इब्ने सय्याद उसका नाम था,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी कभी सहाबा के साथ जाके उसकी टो में जाते थे कि कहीं यही तो दज्जाल नहीं है, क्योंकि उसके फीचर्स ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए थे। तो इट मींस कि वो एक फिजिकल पर्सन होगा, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यही दज्जाल है या नहीं। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्वियसली फुल डिटेल्ड बता दिया गया होगा कि वो दज्जाल नहीं था, वो कोई और शख्स था, और दज्जाल बाद में आएगा, और वो फिर पूरी तफासिल बाद में हमें हदीस में मिलती भी हैं। लेकिन इससे ये ज़रूर साबित हो जाता है कि दज्जाल एक शख्स होगा। अगर दज्जाल एक शख्स होगा, एक इंसान होगा, तो वो उस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सो भी नहीं रहा था, ज़िंदा था। तो आज तो उसकी उम्र 1500-2000 साल होनी चाहिए, चाहे वो सो भी रहा हो तो भी 1500-2000 साल होनी चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि वो सिंबॉलिक है। दज्जाल कोई शख्स होगा जो बाद में पैदा होगा, उस दौर से बाद में पैदा होगा, लेकिन मेरी पर्सनल उस एक परसेप्शन के मुताबिक दज्जाल पैदा हो चुका है, वो ज़िंदा है, और दज्जाल वुड आल्सो बी अबाउट हिज एज आफ्टर सम इयर्स ऑफ द रेन ऑफ इमामुल महदी, ऑफ खिलाफत ऑफ इमामुल महदी, दज्जाल हैज़ टू अपीयर। तो दज्जाल भी अब मेरे जो कैलकुलेशंस है, ही मस्ट बी इन हिज 30s और समथिंग लाइक दैट। तो वो हदीस मोस्ट प्रोबेबली सिम्बॉलिक है, और दज्जाल यकीनन किसी गार में होगा। वो हदीस से हमें पता चलता है कि किसी बात पे वो गुस्से में आकर अचानक बाहर निकल आएगा, वो अपने रिचुअल्स किसी गार में किसी जगह पे, हिडन जगह पे कर रहा होगा, अपनी पावर्स गेन करने की कोशिश कर रहा होगा। एक बिग पार्ट ऑफ दैट वुड बी वुडू एंड मैजिक। लेकिन मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं है कि किसी गार में 1500-2000 साल से सो रहा हो, वल्लाहु आलम। एक पार्ट। अब दूसरे आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या दज्जाल एक सिस्टम होगा या दज्जाल एक पर्सन होगा। तो एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या यही दज्जाल है या नहीं, तो इट मीन्स कि दज्जाल एक पर्सन तो होगा। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा, यौमुन का सना, पहला दिन उसका एक साल की तरह होगा, यौमुन का शहर, दूसरा दिन उसका एक महीने की तरह होगा, यौमुन का जुमुआ के तीसरा दिन उसका एक हफ्ते की तरह होगा, और सायरो अयाम ही का अयाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकी उसके जो 37 दिन होंगे वो तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जो दिन उसका एक साल की तरह होगा तो क्या उसमें हमने नमाजें एक साल में मोर और लेस 5 ही पढ़नी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा की जो क्वेश्चन है उसका मफहूम ये बनता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमने हिसाब लगा कर नमाजें नॉर्मल दिनों की तरह पढ़नी होगी। तो इट मीन्स कि नमाजें अगर हम नॉर्मल दिनों की तरह पढ़ रहे हैं, और किसी और रवायत में हमें यह भी नहीं मिलता कि सूरज जो है वो पहले एक साल के लिए ग़ुरूब ना हो, फिर एक महीने के लिए ग़ुरूब ना हो, फिर एक हफ्ते के लिए ग़ुरूब ना हो, ऐसी भी हमें कोई रवायत नहीं मिलती, और नमाजें भी नॉर्मल दिनों की तरह पढ़नी है, तो इट मीन्स के मोर और लेस मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ सिस्टम, इट विल बी एन एरा। सो फर्स्ट 3 days वुड बी 3 eras, then 4th day until the 40th day would be the person, the Dajjal. So it's a combination of both, ke first 3 days could be the system's eras and then it would be the person. So main अपने डिफरेंट लेक्चर्स में हम दज्जाल के मौजू पे बात करते रहे हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, वो डिटेल्ड लेक्चर्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, कि फर्स्ट डे ऑफ द जाल कुड बी द पैक्स ब्रिटानिका, द ब्रिटिश रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, द सेकेंड डे कुड बी द पैक्स अमेरिकाना, द अमेरिकन रूल ओवर द वर्ल्ड, एंड द थर्ड डे कुड बी द पैक्स जुदाइका, दैट वुड बी द जुइश इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। द ब्रिटिश रूल केम विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड द अमेरिकन रूल केम विद द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल
like powers and facilities, and the Pax Judaica would come probably with even more technological developments, but that must be combined with voodoo and magic and other hidden kind of things that people won't be able to identify. तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर आफ्टर द डिफीट ऑफ अमेरिका मोस्ट रिसेंटली इन अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली पैक्स अमेरिकाना इज़ एंडिंग एंड पैक्स जुदाइका इज़ स्टार्टिंग. तो हम सेकंड डे ऑफ द जाल के एंड में पहुंचे हुए हैं और थर्ड डे ऑफ द जाल में हम दाखिल हो रहे हैं. देन ड्यूरिंग द थर्ड डे और आफ्टर द थर्ड डे इमामुल महदी का ज़हूर होगा और इमामुल महदी के रेन इमामुल महदी की खिलाफत के एंड में दज्जाल जाहिर होगा. तो दैट्स द थिंग. वल्लाहु आलम.